बजे से आ रहा था, रास्ते में कई संस्थाओं को देख रहा था कि गरीबों को खाना खिला रहा था, तो थोड़ा मन किया कि थोड़ा देखूँ कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को लगातार उस जगह पर विधानसभा के समीप जो मैदान है वहाँ लगभग रोज़ 400-500 लोग खाना खाने आते हैं और उन लोगों को लोग अपने स्तर से लोग खिला भी रहे हैं। प्रजापति समाज के लोग और के NGO वगैरह सभी कई तरीके से अच्छा लगा कि आज सभी लोग आज इस संक्रमण में अपने अपने तरीके से लोगों को सहयोग दे रहे हैं और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा सर, एक नई गाइडलाइन लॉकडाउन 2 के लिए जारी की गई है झारखंड की तरफ से, उसमें कुछ नया एड ऑन है या फिर एज इट इज? जहाँ देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि आज हमारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई और राज्य में चल रहे धीमी गति से जो हमारा टेस्ट हो रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त लैब का भी हमने उनसे आग्रह किया है और जो टेस्ट किट है उसकी भी उपलब्धता अधिक करने का हमने उनसे आग्रह किया है। और अभी नया गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से आया है लॉकडाउन के ऊपर, मुझे लगता है कि 10-15 पन्नों का वो ये है, उसको हम लोग देख रहे हैं और देखते हैं ये आने वाला समय में व्यवहारिक रूप से कितना सक्सेस होगा, उसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद आपके समझ। सर, सामने बात आ रही कि कई लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है, कई जगह जो हॉटस्पॉट है वहाँ भी नहीं है, धार्मिक भावना भड़काने की भी बात हो रही है। देखिए, कुछ शरारित तत्व तो सक्रिय हैं ही और वो सक्रिय भी रहते हैं कई ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी, लेकिन सरकार की नज़र है उनसे कड़ाई से मतलब हमारी सरकार पेश आएगी।